ढाई से 5 बजे तक की 2 पालियों में आयोजित होनी थी, जिसमें सभी 75 जनपदों में के कुल 2736 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा की जानी थी, जिसमें 19,99,418 अभ्यर्थी या परीक्षार्थी शामिल होने थे। सरकार की प्रतिबद्धता शुरू से सभी परीक्षाओं को सुचितापूर्ण तथा पारदर्शी तरीके से कराने की रही है, और इसमें हम लोगों ने, आपने पूर्व में भी देखा होगा कि आज तक कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जो कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से जिसमें इंटरफेरेंस रहा हो। और हम लोग इसमें, हमारी जो स्पेशल यूनिट्स हैं, विशेषकर एसटीएफ कामयाब रही है, और हम लोग ने पूरी तरीके से सभी परीक्षाओं को नकल विहीन कराने में सफलता प्राप्त की है। इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित हो रही थी, इसके लिए संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा डीजीपी स्तर पर मीटिंग की गई तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ये जो नकल माफिया है या सॉल्वर गैंग है, इन पे कड़ी नजर रखने के लिए हम लोगों ने एक पूरा जाल बिछाया, जिसमें मैनुअल इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता ली गई। और बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से, जिसमें लखनऊ से 4 लोग पकड़े गए हैं। मेरठ एसटीएफ की टीम के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ वाराणसी और गोरखपुर के द्वारा भी 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। जनपद कौशाम्बी से 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं तथा प्रयागराज से 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से, जिसमें लखनऊ से 4 लोग पकड़े गए हैं। मेरठ एसटीएफ की टीम के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ वाराणसी और गोरखपुर के द्वारा भी 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। जनपद कौशाम्बी से 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं तथा प्रयागराज से 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुछ फोटोकॉपी पेपर्स के मिले थे, जिनको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया, और ये बात प्रकाश में आई कि ये प्रश्न पत्र वही हैं जो कि परीक्षाओं में आने वाले हैं। तत्काल शासन स्तर से इस पर निर्णय लिया गया कि जो सुचिता पारदर्शिता का जो बेसिक कंसेप्ट है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने, शासन ने निर्णय लिया कि ये परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। ये भी निर्णय हुआ है कि अगले 1 महीने में दोबारा ये परीक्षा कराई जाएंगी तथा इस परीक्षा में जो भी व्यय भार आएगा वो सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को दोबारा न तो कोई फॉर्म भरना होगा, न तो कोई फीस देनी होगी। इसके अतिरिक्त ये भी डिसाइड किया गया है कि आज जो भी बच्चे परीक्षा के लिए आए हैं, उनको अपने गंतव्य स्थान पर वापस लौटने के लिए उत्तर प्रदेश यूपीएसआरटीसी के बसेस में एडमिट कार्ड से ही फ्री जाने की अनुमति दी गई है, उनको कोई टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण की जांच एसटीएफ के द्वारा की जाएगी,
और इसमें जो भी व्यक्ति जो भी संस्था अगर इन्वॉल्व है उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये चीज ध्यान देने योग्य है कि जो प्रश्न पत्र हैं जिस पर परीक्षाएं होनी थी अभी तक वो केंद्रों तक नहीं गई थी, उसको आज सुबह जाना था, तो अभी तक की चेन से जहां तक जिस संस्था ने ये परीक्षा जिसको आयोजित करना था उससे लेकर और ट्रेजरी तक जिसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा उन व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जो चीज़ें बरामद की गई हैं उसमें कुछ मोबाइल फोन है और पेपर के फोटोकॉपी हैं, और इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के भी कुछ व्यक्ति पकड़े गए हैं। और इसमें दो तरह से चीज़ें की जाती हैं, या तो सॉल्वर गैंग के द्वारा पेपर लीक कराया जाता है या किसी अन्य सॉल्वर को बिठा के यह परीक्षाएं दी जाती हैं। तो जो कठिनाइयां बच्चों को हुई है उसके मद्देनजर सरकार ने ये कदम उठाए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो परीक्षाओं को बहुत ही पारदर्शी शुचितापूर्ण तथा पवित्र तरीके से कराए जाने की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हुए ये निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है। अब इसमें जो भी आदमी पकड़े गए हैं इसके अतिरिक्त अन्य भी लोगों की गिरफ्तारी हम करेंगे। जो जो 23 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में उनका नाम और पते हम ऐसी अभी तक की जो सूचना आई है, क्योंकि आज ही सुबह जाना था और रात से ही ये चीज़ें कुछ लोगों के पास थी, तो ये सभी चीज़ें विवेचना का प्रश्न है। लेकिन फिलहाल सभी जगह शांति है, लोगों को जिला प्रशासन के अधिकारी और जो विभागीय अधिकारी हैं लोगों को बता रहे हैं, वहाँ अनाउंसमेंट लाउड हेलर के द्वारा किया जा रहा है कि सभी बच्चे अपने घर चले जाएं और पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है। अब मैं अनुरोध करूँगा जो हमारे जो सहयोगी प्रमुख सचिव जी हैं वो आगे आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। इसमें परीक्षा नियामक प्राधिकारी है जो प्रयागराज में बेस्ड है वो और उनका स्टाफ होता है, कोशिश की जाती है कि कम से कम लोग इसमें जुड़े और एजेंसी की भी सीक्रेसी। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रस्तुतकर्ता बैद्यनाथ, संपूर्ण च्यवनप्राश है वही जिसकी विधि हो सही। यूपी टीईटी पेपर लीक होने की वजह से रद्द हुई परीक्षा, अब तक 23 लोग गिरफ्तार। मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ था पेपर। मन की बात में बोले पीएम मोदी, सेवा के लिए होता है प्रधानमंत्री का पद, मैं सेवा के लिए हूँ सत्ता के लिए नहीं। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सतर्क, यूपी सरकार जारी कर सकती है नई गाइडलाइंस, संक्रमित देशों से आने वाले यात्री सर्विलांस पर रखे जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज से 2 दिन का हरिद्वार दौरा, पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत, सीएम धामी मौजूद रहेंगे। आज सीएम योगी का देवरिया और गोरखपुर दौरा, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात, जनसभा को भी करेंगे संबोधित।
वाराणसी में बीजेपी की किसान सम्मान चौपाल, आज ट्रैक्टर महारैली को दिखाई जाएगी हरी झंडी, 5,000 किसानों को भी किया जाएगा सम्मानित। प्रस्तुतकर्ता बैद्यनाथ, संपूर्ण च्यवनप्राश है वही जिसकी विधि हो सही, प्रायोजक माइसेम सीमेंट, सर्वोत्तम निर्माण के लिए एक्वालाइट फुटवेयर, कंफर्ट दिखता है एक्वालाइट, ओसाका बैटरी का पार 24 आवर्स, जापानीज टेक्नोलॉजी से बनी ओसाका बैटरी, और वेदांतक वटी, पुराने से पुराने दर्द से आराम पाइए, वेदांतक वटी आज ही आजमाएं, दर्द से लाभ पाएं। या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं चलती रहती हैं, तो उनको देखते हुए हम लोग एक माह के अंदर ही पुनः परीक्षा कराएंगे। अब आप अपर मुख्य सचिव ने जिस प्रकार बात की, क्या संदेश देना चाहते हैं परीक्षार्थियों को कि क्या संयम रखिए, क्या करेंगे, क्या जैसा एडीजी साहब ने भी अनुरोध किया कि सभी अभ्यर्थियों से हम लोग यही अनुरोध करेंगे और यही निर्देश भी है कि उनको पुनः फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, न किसी तरह की फीस ली जाएगी, और हम पुनः डेट जितनी जल्दी होगा वो कराएंगे। आप अवगत हैं कि टीईटी की परीक्षा पिछले वर्ष भी कोविड के कारणों से नहीं हो पाई थी, इसलिए हम लोगों ने इस वर्ष ये कराया था और ये घटना हो गई है, तो हम लोग एक माह के अंदर पुनः इसको संचालित करेंगे।